हेलो एवरीवन, सनरो प्राइमरी इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, मींस हमें यहाँ पे नंबर लाइन यूज करना है और इंटीजर्स हमें लिखने हैं, मींस कौन सा इंटीजर होगा आंसर में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट दे रखा है 3 मोर देन 5, मीन्स 3 ज़्यादा है 5 से, तो इसके लिए पहले आपको, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 से 3 ज़्यादा होगा, तो आपको ये नंबर लाइन ड्रॉ करके फाइंड करना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर में रहेगा 0, तो 3 मोर देन 5 हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 मोर देन 5, तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मैं खाली स्पेसिमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे ड्रॉ करना है। जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो हमारे सेंटर में क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, और 0 के राइट साइड में रहना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर्स भी बोल सकते हो आप, और लेफ्ट साइड में क्या रहना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऐसे ही एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3 मोर देन 5, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे पहले, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड लास्ट वन -8। सेम एज यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बोला क्या है, 3 मोर देन 5 मीन्स 5 से 3 ज़्यादा होने चाहिए। तो 5 कहाँ पे, देखो यहाँ पे सिंबल्स भी देखना है, 3 पॉजिटिव में मीन्स प्लस में, और 5 भी प्लस में है, तो 5 से 3 ज़्यादा, तो 5 पहले हम ढूंढेंगे, 5 कहाँ पे, यहाँ पे, और इससे 3 प्लेस आगे हमें जाना है, तो 1, 2, 3, तो कौन सा नंबर आया, 8, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 8। बी नंबर देखेंगे, 5 मोर देन -5, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे आप इस नंबर लाइन को बढ़ा भी सकते हैं आगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 5 मोर देन -5, 5 मोर देन -5 मीन्स -5 से हमें 5 मोर देन की तरफ जाना है, मीन्स प्लस की तरफ जाना है, तो यहाँ पे -5 है। अब इससे कितना हमें प्लस आगे जाना है, 5 प्लस आगे जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, मीन्स -5 से आपको 5 प्लेस आगे जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, 0, मीन्स इंटीजर कौन सा होगा, 0 इंटीजर होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर, यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, मीन्स आपको नंबर लाइन का यूज करना है और ऐड करना है इन इंटीजर्स को। तो 9 पहला दे रखा है, 9 प्लस -6, तो अभी आपको नंबर लाइन फिर से बनाना होगा, स्केल से नंबर लाइन नहीं बना रहा हूँ, आपको स्केल से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, 0। अब मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या है, 9, तो हमें 9 तक नंबर्स लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सेम एज
माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस नाइन। अब नाइन में हमें प्लस करना है माइनस सिक्स, तो नाइन प्लस माइनस सिक्स दे रखा है, तो नाइन में माइनस सिक्स प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे। नाइन कहाँ पे, यहाँ पे, तो माइनस सिक्स को हमें प्लस करना है, तो माइनस सिक्स को प्लस करना है मीन्स नेगेटिव इंटीजर को, तो हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स प्लस करना था तो हमें सिक्स टाइम्स लेफ्ट साइड जाना होगा, क्योंकि इंटीजर कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे थ्री पे आएंगे तो आंसर कितना आएगा, थ्री। लेकिन आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमारा इंटीजर है, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस कर लेने। थर्ड, ऐड विथआउट यूजिंग नंबर लाइन, मीन्स क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला कि हमें एडिशन करना है लेकिन हमें जो नंबर लाइन है वो ड्रॉ नहीं करनी है, मीन्स बिना नंबर लाइन के हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट दे रखा है 11 प्लस माइनस 7, तो यहाँ पे आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, जैसे कि प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। प्लस में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 11 प्लस माइनस, यहाँ पे दो दे रखा है, दो सिंबल प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, तो बीच में सिंबल एक ही आएगा, वो कौन सा, माइनस का। 11 माइनस 7, तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4। अब यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का, तो यहाँ पर हमें देखना है दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, तो 11 और 7 में बिगर नंबर 11 है, तो यहाँ पे 11 का सिंबल प्लस है, इसलिए इसका आंसर भी प्लस में आएगा। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस कर लेने, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। फोर नंबर, फाइंड द सम ऑफ, सम मीन्स होता है प्लस, तो इन्हें भी आपको प्लस करना है। 137 एंड माइनस 354, तो इन दोनों को प्लस करना है, तो 137 प्लस, अब माइनस में है तो आपको ब्रैकेट में लिखना है माइनस 354, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 354, कितना आंसर आएगा, दोनों को माइनस कर दो, 354 माइनस 137, तो 14 में से 7 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 217 आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, आंसर राइट है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का, तो माइनस 354 बिगर इंटीजर है, बिगर नंबर है, तो आपको माइनस का सिंबल यहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर सम, इसमें भी वही करना है, सम फाइंड करना है मीन्स प्लस करना है सभी इंटीजर्स को, तो कुछ इंटीजर्स माइनस में दिए रहेंगे और कुछ इंटीजर्स प्लस में दिए रहेंगे, तो पहले आप माइनस वाले को मीन्स एडिशन कर लोगे या सब्ट्रैक्शन जो भी दिया हुआ है वो करना है। माइनस 7 प्लस माइनस 9, तो माइनस 7, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ओके, प्लस 4 प्लस 16 कितना होगा, दोनों प्लस में तो 20। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 9 प्लस 7 कितना होगा, माइनस 16 प्लस 20, तो माइनस प्लस माइनस, 20 में से 16 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आंसर, 4। सिंबल कौन सा आएगा, बिगर इंटीजर का, तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, जो प्लस का सिंबल कभी दिखाना नहीं है। आज के लिए इतना ही, और आपका एक्सरसाइज भी खत्म होता है यहाँ।